माय गॉड, क्या आपने देखा है कभी? ये मैंने सिर्फ और ये मैं आ गई हूँ फाइनली पुराने जमाने के रसोई में, रसोड़े में आ गई हूँ मैं। जो मशीन है वो फादर का ही है, कंप्लीट सेट है फादर का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं जाने वाली हूँ घूमने के लिए सेंट चैपल, जो कि यहाँ का बहुत फेमस म्यूजियम और चर्च है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं हूँ म्यूजियम के अंदर और ये बहुत खूबसूरत म्यूजियम है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कैमरे रखे हैं तो फिर बहुत सारे पुराने टाइम के कैमरे रखे हैं। मेरे इस साइड पे यहाँ पे रखे बहुत सारे शंख जो अभी भी रखे हुए हैं, बहुत मतलब इसको देखने से इतना खूबसूरत लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ये है। और इस साइड पे रखे हैं पॉट्स, बहुत सारे पुराने पॉट्स। और इस साइड पे रखे हैं बहुत सारे कॉइन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के भी हैं और कुछ इंडिया के भी पुराने कॉइन्स रखे हुए हैं। इस साइड पे आप देख सकते हो, मेरे इस साइड पे है टेलीफोन, बहुत पुराने टाइम का टेलीफोन है ये। बहुत सुंदर, आप देखो यहाँ पे कैमरे रखे हैं, तो फिर बहुत सारे बहुत पुराने पुराने कैमरे। और ये मैं आ गई हूँ फाइनली पुराने जमाने के रसोई में, रसोड़े में आ गई हूँ मैं। और आप देखो ये रसोड़े को कितने प्यार से सजा के आज भी रखा गया है, कितनी मुझे सबसे सुंदर इस म्यूजियम में यही वाली पार्ट लगी है, बहुत सुंदर है। और ऐसा लग रहा है जैसे आज भी यहाँ पे ना कोई खाना पकाने आने वाला हो, ये इतना साफ सफाई और इतने अच्छे तरीके से इसको रखा गया है। बिल्कुल जो भी चीज़ें किचन में लगती हैं वो सारी चीज़ें आज भी यहाँ पे मौजूद है, सारी चीज़ें, एक भी कुछ भी मिसिंग नहीं है। मैंने अच्छे तरीके से देख लिया, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मिसिंग है, सारी चीज़ें है। ये देखो ये नाव में, नाव वगैरह में, घर में, खेती करने में, ये देखिए ये वाह, आप देख रहे हो वहाँ पे वो पत्थर का बना हुआ पे स्टैंड है, वाह। और यहाँ पे कितना खूबसूरत ये किचन दिखाया गया, आप देखो अभी भी उसमें वो लकड़ी में ऐसा लाइटिंग की गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें अभी भी आग जल रहा हो, बिल्कुल एकदम सजी हुई रसोई है ये। आप देखो कितना खूबसूरती से बनाया गया ये रसोई है, यहाँ पर सारी चीज़ें रखी है ग्राइंडिंग स्टोन के लिए, ग्रेन मील्स, स्टोन के जो भी चीज़ें यूज़ होती होंगी, क्ले पॉट्स, सारी चीज़ें रखी है जो भी किचन में यूज़ होती है। देखो ब्रास के पॉट्स रखे हैं यहाँ पे, वाह। मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए जो भी नेट यूज़ होता है वो सारे नेट रखे हैं यहाँ पे। ये छोटा सा बोर्ड भी रखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें रखी है जो भी वॉर में यूज होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है, ये सारी चीज़ें।
खूबसूरत है ये, आप देखो ये सारे तीर कमान यहाँ पे रखे हुए हैं। वाह, फादर के डेथ के बाद उनके ये कंप्लीट सेट जो है, जो भी फादर को यूज होती थी उनकी पूरे लाइफ में, वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये है होस्ट बैकिंग मशीन, के क्लॉथ्स रखे हुए हैं। ये है बोन क्रॉस, हड्डियों का बना हुआ क्रॉस है, और वो उनका प्रेयर बुक है। ओ माय गॉड, क्या आपने देखा है कभी? ये मैंने सिर्फ मूवी में देखा है, आप देखो। वाह, ये रियल है। और ये एक वेल की हड्डियां है जो कि आज भी स्टोर करके रखी गई है, और इसका सर यहाँ पर है। मेरे ख्याल से ये इतना हैवी होगा कि इसको ऊपर नहीं रख सकते हैं, तो ये यहाँ पे रखी हुई है। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं जो स्टोर करके रखी गई हैं, जैसे कि ये है एलिफेंट का हेड, और ऐसे ही बहुत सारे और भी हेड रखे हुए हैं, बहुत सारी स्किन रखी हुई हैं, फिशेस के स्किन वगैरह रखी हैं, उसकी हड्डियां भी स्टोर करके रखी गई हैं। ऊपर में सो फाइनली मैंने ये पूरा म्यूजियम और चर्च घूम लिया है, और ये पूरा म्यूजियम, चर्च, कॉलेज, सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। एंड तो मैंने यहाँ पूरा घूम लिया है और सब कुछ देख लिया है। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।